ओके गाइस, तो आज हमें 8.7.6.8 का जो हर फ्राइडे फ्राइडे आता है अपडेट, वो अपडेट हमें 2 वीक बाद मिल रही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा नया नहीं है, लेकिन मैंने जो देख के पता चला है कि इसमें बहुत कुछ उन्होंने रिटर्न अपडेट्स दिए हैं। तो चलिए देखते हैं वो सब क्या है। तो एनी फर्दर ड्यूज, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो ये नियर बाई 132 MB का है, तो मैंने ऑलरेडी अपडेट कर चुका था, तो इसको रिबूट करेंगे। रिबूट करने के लिए मैक्स टू मैक्स आपको 10 से 15 मिनट लगेगा, तब तक आपको वेट ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई आइडिया भी नहीं। तो देखते हैं थोड़ा वेट करके क्या मिलता है हमें नया। ओके, तो मेरा सेट रिबूट हो चुका है, तो इसमें देखते हैं कि क्या नया है। तो सेटिंग्स में अबाउट फोन में देखेंगे क्या अपडेट हो चुका है या नहीं। ओके, तो 7.6.8 हमारा अपडेट हो चुका है, बेटा वर्जन, और देखते हैं कि इसमें क्या नया है। इसमें सिर्फ 2 ही नया दिए, वो कुछ मायने नहीं रखता, लेकिन मैंने जब मेरा मोबाइल देखा तब मुझे पता चला कि इसमें जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, उसमें जो साइड में इमेज दिख रहा है डिस्कवरी का, वो इसमें नहीं है, तो डायरेक्ट ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा। और जो साउंड सिस्टम है, इसमें जो ऑडियो सेटिंग्स का जो ऑप्शन था वो भी इससे हटा दिया गया है, इससे डायरेक्ट वो बाहर जो अपना एडिशनल सेटिंग्स में हेडफोन एंड ईयरफोन्स का जो सेटिंग्स है वहाँ इसे इनबिल्ट कर दिया है। तो आप यहाँ ये सेटिंग्स को देख सकते हो डायरेक्ट। और नेक्स्ट फ्यूचर्स है जो आपका डिस्प्ले में जो कलर कॉम्बिनेशंस था वर्म, स्टैंडर्ड और कूल करने का, वो यहाँ से इसको पूरा हटा दिया गया है। जो यहाँ इमेज मिल रहा था पहला, वो यहाँ दिखता नहीं था, या स्लाइड बार जो है वो भी यहाँ से हटा दिया गया है। और नेक्स्ट है कि आपका जो मैसेज में जो आपका टाइमिंग टू मैसेज जा रहा था, जैसे कि आपको किसी को मैसेज सुबह भेजना है या आपको रात को ही उसका टाइमिंग लगा सकते हैं, ये पहला हटा दिया गया था, ये फिर से उन्होंने रिबिल्ड किया है, एक अच्छी बात है। और आपका जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, जहां आप खुद का अपना कौन सा भी फाइल देख रहे हो, तो जैसे ही उसका डिटेल्स पे जाओगे, आप पहले हमारा जो डिटेल्स है वो 0 byte का दिखा रहा था, तो एरर दिखा रहा था, जो वो बक्स को अभी क्लियर कर दिया गया है, अभी जितना का फाइल है उतना ही उसका डिटेल्स दिखाएगा। और ब्राउज़र में भी ऑप्शंस चेंज हो चुका है, एक पावर सेविंग मोड आ चुका है, आपको वहाँ से आपका डाटा जो है नियर बाई एक 50% तो आपका डाटा रिलीज हो जाएगा, जो बच जाएगा, एक नया ऑप्शन है जो उन्होंने दिया हुआ है। और जहाँ तक मैंने देखा कि एक ऑप्शन है जो आपको रिसेंट बार में कनेक्टेड है, अगर आपका रिसेंट ऐप में पहले जैसा आता था वैसे ही आएगा, अगर आपने एक ही एप्लीकेशन में 2 टास्क बार ओपन किया है तो आपका ये ऐसे आ जाएगा। तो और कुछ अपडेट तो है नहीं, तो शायद आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़